हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अपने इस चैनल में मैं आपको पढ़ाऊंगी नंबर मतलब मैथ का, क्वांटिटेटिव का। इसमें हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका। इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे कि नंबर सिस्टम बेसिकली है क्या, इसका बिल्कुल बेसिक क्या है, इसमें आता क्या क्या है, ये सब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। नंबर सिस्टम आपका 4 टाइप्स का होता है। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा एंड हेक्सा। इसमें आपका बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन आपके डेसिमल से आते हैं। ऑक्टा हेक्सा इतना नहीं पूछा जाता बहुत ज़्यादा। बाइनरी में से एक आधा क्वेश्चन आता है, वो हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग देखते हैं डेसिमल। डेसिमल बेसिकली आपका जो बनता है वो इन 10 नंबर से ऊपर कोई नंबर नहीं जाता। हमारा कोई भी मैथ में कुछ भी है वो आपकी ये 10 डिजिट ही रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। कितने पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आपका आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आपका आता है आपके 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आपके इसमें बेसिकली होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसमें आपका आता है आपका रियल नंबर एंड डेसिमल। सॉरी, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये ऊपर का आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज। इमेजिनरी नंबर जो होता है उसका ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बट उसको अगर हमसे पूछा जाए या उसको डिफाइन करना हो या उससे पूछा जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है आई। इसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और अगर आई की वैल्यू पूछी जाती है तो वो होती है अंडर रूट में -1। बेसिकली इसका अगर पूछा भी जाता है तो सिर्फ आपसे यही या इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, बाकी इमेजिनरी नंबर में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। फिर आपका आता है रियल नंबर। रियल नंबर आपके जो होते हैं वो हो गया आपका इंटीजर, एक हो गया आपका डेसिमल। ठीक, अब डेसिमल जो होता है आपका वो आपके होते हैं 2 टाइप्स के। एक होते हैं आपके रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल्स में आपके जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका बार बार 3-3 रिपीट हो रहा है, इस तरह चल रहा है जैसे, या फिर आपका हो गया 0 3 2 3 2 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
बेसिकली जो आपका रिपीट हो रहा है एक टाइम का जाके रिपीट हो रहा है, दैट इज रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग आपका जो होता है, जो रिपीट नहीं होता, जिसमें कोई भी डिजिट आपकी रिपीट नहीं होगी, कहीं से कुछ भी आ जाएगा और वो आपका रिपीट होने का उसमें कोई सीन नहीं रहता, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग को हम लोग क्या है, टर्मिनेट कर सकते हैं। रिपीटिंग डेसिमल जो है इसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बट नॉन रिपीटिंग जो है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है। अब रिपीटिंग को हम लोग क्या करते हैं, जब टर्मिनेट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो हम लोग रैशनल फॉर्म में लिखते हैं। टर्मिनेट करके उसको रैशनल फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज़ पी बाई क्यू फॉर्म। उसको जब हम टर्मिनेट करते हैं, डेसिमल हटाते हैं, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लोग उसको टर्मिनेट कर सकते हैं और वो सम हाउ एक टाइम पे जाके पूरा सॉल्व हो जाता है या उसका एक वैल्यू निकल आता है। बट नॉन रिपीटिंग जो है वो आपका टर्मिनेट नहीं होता, क्योंकि उसका कोई उसमें एंड तक में आपका कुछ ना कुछ डेसिमल रहेगा ही, वो आपका सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा। होपफुली आपको समझ आ रहा हो फ्रेंड्स। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ताकि वो क्वेरी आपकी सॉल्व की जाए। जो भी अपकमिंग वीडियो होगा उस टाइम पे, उस वीडियो में इस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब आपका आगे आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके क्या होते हैं? ये आपका डेसिमल का पार्ट हो गया कि ये डेसिमल है। इन शॉर्ट टू टाइप्स के होते हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आपके तीन टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, द वैल्यू ऑफ जीरो, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। होपफुली आपका हो गया होगा नीचे वाला नोट डाउन। नेगेटिव में आपके जो आते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके टेल 1-3, -2, -1। जीरो आपका जीरो ही है। पॉजिटिव में आपका हो गया 1-3 टेल इन्फिनिटी। ये तो आपके इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स में आपका एक चीज़ और आती है, वो है आपका इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर, नंबर विच इज डिवाइडेड बाय टू, इज कॉल्ड इवन नंबर। जैसे कि आपका टू हो गया, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। जीरो आपका इवन नंबर में काउंट होता है, क्योंकि जीरो को जब हम टू से डिवाइड करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइजेबल है। अब आप लोगों को होगा कि जीरो तो वन से भी डिवाइड होता है, थ्री से भी होता है, फोर से भी होता है। तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन ये है कि जो नंबर टू से डिवाइड होता हो वो आपका इवन है। तो जीरो आपका टू से डिवाइड होता है, इसलिए वो इवन नंबर है। ऑड में होता है नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय टू। वो नंबर जो टू से डिवाइडेड नहीं होते, या फिर जो नंबर टू से डिवाइड नहीं हो सकते, वो आपके ऑड नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है आपकी? द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स फर्स्ट इज 1 एंड अनदर इज नंबर इट्सेल्फ। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, दो से ज़्यादा नहीं होते, एक होता है वन और एक वो नंबर खुद। जैसे कि आपका हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। आप टू का देखेंगे तो 1 एंड 2, 3 का 1 एंड 3, 5 का 1 एंड 5, 1 एंड 7, ये आपके किसी और टेबल में किसी और नंबर से नहीं सॉल्व हो सकते। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इट्सेल्फ, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। फिर आपका आता है कंपोजिट नंबर। नंबर हैविंग
मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिन नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपके होते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। इसमें देखिए इवन ऑड का कोई सीन नहीं है कि हाँ भाई इवन नंबर ही आपका प्राइम नंबर है या ऑड नंबर ही प्राइम नंबर है, इवन नंबर कंपोजिट नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। 9 आपका ऑड है बट वो आपका कंपोजिट है, ठीक है, और 2 आपका इवन है बट वो आपका प्राइम नंबर है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इवन या ऑड का कोई सीन हो, फैक्टर्स का है। फैक्टर्स जैसे होते हैं उस अकॉर्डिंग ये चलता है। इसके आपके होते हैं 1 एंड 2 एंड 4, इसका 1 एंड 2 एंड 3 एंड 6, इसका 1 एंड 2 एंड 4 एंड 8। तो इस तरह से इनके जो फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर, इसके 3 फैक्टर्स हैं, इसके 4 हैं, इसके 4 हैं, ऐसे आगे भी। तो कोई भी नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों दैट इज़ कंपोजिट नंबर। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो आपको तो प्लीज़ आप उसका पूछिएगा। अब इसमें आपका 1 कहीं भी नहीं आया था, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है दैट इज 1। तो 1 इज अ यूनिक नंबर। इन शॉर्ट आपसे कभी पूछा भी जाता है कि 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो इसका आंसर है 25 प्राइम नंबर्स। 50 to 100 में कितने होते हैं, इसका है 20, और 1 to 100 में होते हैं आपके टोटल 45 प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये इसलिए है कभी आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसका आंसर याद रहेगा, तो आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, कैलकुलेट नहीं करोगे इस तरह से कितने हैं, कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, इस तरह से नहीं करना पड़ेगा, आपको याद रहेगा। अब आता है आपका रिलेटिवली प्राइम। नंबर टू नंबर बेसिकली दो नंबर विच हैव HCF इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है वो आपके रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3, 5 एंड 7, मतलब ये आपके इनका आप देखेंगे तो HCF आपका इसका 1 ही रहेगा, तो ये आपके रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ऊपर का आपका नोट डाउन हो गया होगा। अब आता है आपका को प्राइम। को प्राइम नंबर आपके वो होते हैं बेसिकली द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। इसमें भी आपके मतलब बेसिकली सब में देखिए सेट सेम ही रहते हैं, बस ये होता है कि ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, ऐसे नंबर जो दो नंबर एक साथ हो आपके, जैसे कि आपका हो गया 2 एंड 3, 5 एंड 7, ऐसे आपका हो गया 11 एंड 13, तो ये आपके हो गए सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स दैट इज को प्राइम। ट्विन प्राइम में क्या होता है, नंबर हैविंग डिफरेंस 2, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, जैसे कि 2, 3 जो है वो आपका ट्विन प्राइम नहीं है बट वो को प्राइम है आपका, ठीक है। तो आपका जैसे 3 एंड 5 हो गया, ये आपका ट्विन प्राइम है क्योंकि इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। 5 एंड 7 हो गया, ये ट्विन प्राइम है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, बट 9 नहीं आता आपका, तो 11 एंड 13 हो गया, ये आपका ट्विन प्राइम है। 15 नहीं आता है आपका, तो 17 एंड 19 हो गया आपका। तो इस तरह से ये जो नंबर्स हैं आपके, ये आपके ट्विन प्राइम्स हैं।
नीचे का आपका हो गया होगा नोट डाउन। अब हम एक बार देख लेते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? अ नंबर, जो भी नंबर आपसे पूछा गया है, आपसे अगर पूछा गया ये नंबर परफेक्ट है या नहीं है, तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर विच सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर शुड बी इक्वल टू ओरिजिनल नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्या डेफिनेशन है, आप समझिए इसको, कि जो भी आपको नंबर दिया गया है उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स का जो सम है, उन नंबर, उन जो फैक्टर्स आते हैं उन नंबर्स को हम जब जोड़ते हैं, सिवाय उस आस्किंग नंबर के, जिस नंबर को पूछा गया उस नंबर को हटा के, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर शुड बी इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। जैसे कि आपका परफेक्ट है आपका 6। अब 6 के जो फैक्टर्स हैं आपके वो हैं 1, 2, 3 एंड 6, ये फैक्टर्स हैं। तो इस नंबर को हटा के, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, इस नंबर को हटा के 1 + 2 + 3, अगर हम इसके बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स को ऐड ऑन करते हैं तो हमारा आता है 6, विच इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। तो 6 इज़ योर परफेक्ट नंबर। तो इसी तरह से कोई भी नंबर हो उसके फैक्टर्स आप देखेंगे, और फैक्टर्स देखिए जो उसका नंबर है उसको हटा के बाकी जो नंबर्स हैं उनको टोटल करने के बाद अगर वो बराबर होता है नंबर के, तो वो परफेक्ट नंबर है आपका। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप आज की क्लास में इतना ही। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ताकि उस क्वेरी को, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स।